सूरत में। तरावी में पूरा कुरान सुनने की फजीलत, क्या तरावी में कुरान पाक सुनने की अलहदा से कोई फजीलत है? अगर छोटी सूरतों से तरावी पढ़ी जाए तो इसमें थवाब में कमी तो नहीं आएगी? सहबान इस्लामाबाद, छोटी सूरतों से तरावी पढ़ेंगे तो भी तरावी हो जाएगी, लेकिन तरावी में पूरा कुरान सुनना ये सुन्नत अमल है। वजह उसकी दलील ये है कि एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील के साथ कुरान का दौर फरमाया करते थे रमज़ान में, और असल तो दलील है हज़रत उमर का अमल कि हज़रत उमर ने जब सहाबा को एक इमाम के पीछे जमा किया तो वो हाफिज़ कुरान थे, तो सहाबा का मकसद हाफिज़ कुरान के पीछे नमाज़ पढ़ने का मतलब ही यही था कि कुरान मुकम्मल हो जाए। वजह उसकी ये कि वैसे तो सहाबा भी अपने तौर पर नमाज़ पढ़ सकते थे ना तरावी, तो हज़रत उमर जब मस्जिद में आए देखा सब लोग किसी न किसी कारी के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो हज़रत उमर ने सबको एक पे जमा कर दिया। तो सहाबा जो पहले अलग अलग कारियों के पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे उनका मकसद भी कुरान सुनना था, क्योंकि वो ख़ुद से हर एक हाफिज़ नहीं था। तो बाद में उबय इब्न काब के पीछे जब नमाज़ पढ़ी है तो वो भी इसी वजह से कि सबका कुरान कम्प्लीट हो जाए, क्योंकि सहाबा सारे हाफिज़ नहीं थे, तो वो हाफिज़ के पीछे तो इसलिए पढ़ा जाता है ना कि कुरान हो जाए। तो इसी से उलमा ने इस्तदलाल किया कि रमज़ान में तरावी में कुरान का कम से कम एक दौर मुकम्मल कर लेना ये सुन्नत अमल है। रोज़े